में उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करते हैं। अधिक विघ्नभूत न होते हुए मैम से निवेदन करूंगा कि हमारे सभी प्रतिभागियों का इस अवसर पर मार्गदर्शन और संप्रेरण और ज्ञान वर्धन कर हमको सबको अनुग्रहित करें। प्रोफेसर पांडे मैम। थैंक यू प्रमेश कुमार जी एंड नमस्ते अमिता पांडे जी। नमस्ते और नमस्ते मैम। नमस्ते और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। एक बार फिर हम रिसर्च मेथड की एक दूसरी विधा के बारे में, एक दूसरे मेथड के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आजकल जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है वो केवल क्वांटिटेटिव रिसर्च ही नहीं बल्कि क्वालिटेटिव रिसर्च की ज्यादा बातें की जा रही हैं, और ज्यादातर जो रिसर्चेस आजकल हो रही हैं, स्पेशली जो पॉलिसी रिसर्चेस हो रही हैं, वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों को मिक्स करके, यानी एक तीसरा मेथड जो आ गया है मिक्स्ड मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। तो ये क्वालिटेटिव मेथड ऑफ रिसर्च क्या है? क्या ये कोई स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ रिसर्च है? और अगर ये स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ रिसर्च है तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च से किस तरह से अलग है? इसकी क्या टेक्निक्स है जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं है, और क्यों हम क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव की ओर जा रहे हैं? थोड़ा सा मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी क्वालिटेटिव मेथड्स के बारे में पढ़ लिया है, इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मैं ये प्रिज्यूम करके चल रही हूँ कि बेसिक क्वालिटेटिव मेथड आप लोगों ने डिफरेंट मेथड्स को पढ़ लिया है। जब हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करते हैं तो हम सारी चीजें क्वांटिफाई कर लेते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं डेटा के ऊपर, और डेटा के आधार पर, स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हम प्रूव करते हैं कि किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है या नहीं है। हर चीज को हम क्वांटिटी के माध्यम से सॉल्व करके और उस क्वांटिटी के बेसिस पे अपना इंटरप्रिटेशन दे देते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे हम उनको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एक ट्राइबल एरिया है। पहली वाली पिक्चर आप फर्स्ट स्लाइड कर दीजिए। वो एक ट्राइबल एरिया में लाइव पिक्चर ली गई है जिसमें ये, प्लीज फर्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन, दिस इज अ विलेज, ट्राइबल विलेज, ये छत्तीसगढ़ का एक ट्राइबल विलेज है। यहाँ के जो रहने वाले हैं, आपको बैकग्राउंड में एक स्टूडेंट दिखेगी, उस स्टूडेंट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्लास में जाकर के किस तरह के इश्यूज इस तरह के ट्राइबल चिल्ड्रन फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ रिसर्च करने के लिए, तो मैं केवल क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करके या क्वेश्चनेयर दे करके जो डेटा कलेक्ट करती हूँ उससे मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये जो ट्राइबल लोग हैं इनको हिंदी भी नहीं आती है। ज्यादातर हम अंग्रेजी में अपना क्वेश्चनेयर बनाते हैं, मान लीजिए मैंने हिंदी में भी बना लिया तो भी हिंदी में भी ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसलिए इनकी समस्याओं को समझने के लिए, या जो इस तरह के इतने ग्रुप्स हैं उनकी समस्याओं को, उनके इश्यूज को समझने के लिए रिसर्चर के लिए ये जरूरी है कि वो वहां जा करके इस एरिया में ही रहे और वहां पे रह के उन लोगों के बीच रह करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करें। और जब हम इस तरह की रिसर्च करते हैं जहां पे रिसर्चर जा करके किसी इशू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, जैसे इस ट्राइबल एरिया का मैंने स्टडी की हुई है, ये लाइव पिक्चर है जो वहां से ली गई है विलेज से। जब हम इस एरिया की स्टडी करते हैं, जब तक हम उनके बीच नहीं जाएंगे, उनके बीच
बैठ करके उनकी समस्याओं को, उनके प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम उनके बारे में कोई ऑथेंटिक डेटा नहीं दे सकते हैं या कोई ऑथेंटिक फाइंडिंग नहीं दे सकते। बहुत सुपरफिशियली ये कहा जाता है कि ट्राइबल चिल्ड्रन के लैंग्वेज कैपेसिटी कम होती है, वो लैंग्वेज को जल्दी सीख नहीं पाते। लेकिन वो लैंग्वेज को क्यों नहीं सीख पाते हैं या लैंग्वेज के माध्यम से वो अपने आप को क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये जानने की कोशिश क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत ऑथेंटिक तरीके से नहीं हो सकती। इसीलिए कुछ रिसर्चर्स ऐसी हैं जो क्वालिटेटिव है, ये वहां पे जाकर के, और इस तरह की रिसर्च जब हम करते हैं तो इथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं। इथनोग्राफिक का मतलब कि हम उस कल्चर में रह करके उस कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं, और हमारा जो उद्देश्य है वो नॉलेज जनरेशन नहीं है, लेकिन उस कल्चर को समझ करके कुछ इंटरवेंशन उनको दे दिया जाए, इसकी हम कोशिश करते हैं जिससे क्वालिटी इम्प्रूव हो सके रिसर्च की। तो ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्वालिटेटिव रिसर्च इसीलिए हम कहते हैं कि लाइव एक्सपीरियंसेस के ऊपर ये फोकस करती है। जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं वहां पे जो लोग रहे हैं उनके बीच जाकर के जब हमने उन एक्सपीरियंसेस को जाना और उनके माध्यम से हमने कुछ बोला तो वो लिव्ड एक्सपीरियंसेस क्वालिटेटिव रिसर्च का कंपोनेंट होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि एक नेचुरल सेटिंग में हम उसको स्टडी करते हैं और उसके बाद हम फिनोमिना को डिस्क्राइब करते हैं। तो रिसर्चर का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है कि उस कल्चर को समझे, उससे वो कुछ एक्सपीरियंसेस अपने आप गेन करे और उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से फिर वो कुछ इंटरप्रिटेशन दे जो उसकी रिसर्च का कंपोनेंट होते हैं। तो ये एक ह्यूमनिस्टिक एस्पेक्ट को हम ज्यादा इस रिसर्च के माध्यम से बढ़ावा देते हैं। जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि हम इस ह्यूमनिस्टिक कंपोनेंट को और इस फिनोमिना को डीपली अंडरस्टैंड करें और हमारी जो रिसर्च की डिजाइन होगी, हमारे जो रिसर्च के टूल्स होंगे और हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स का इंटरप्रिटेशन जो होगा वो अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट हमने जो आपको कल बताया था, मैंने मोर और लेस फॉर्मेट वही रहेगा प्रपोजल का, लेकिन हम कैसे करेंगे उसको ये चेंज हो जाता है, ये डिफर करता है। ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च है ये नेचुरल सेटिंग में होती है। ये एक नेचुरल सेटिंग इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं, इस नेचुरल सेटिंग में ही हमें रह करके उनके बारे में, जैसे ये रिसर्च की गई थी लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल्स ट्राइबल चिल्ड्रन ऑफ छत्तीसगढ़ का एक मैंने एरिया लिया था, उस एरिया में जाकर के ये रिसर्च की थी। तो ये रिसर्च वहां पे रह करके आप देख रहे हैं ये बो एंड एरो लिए हुए हैं। तो यहाँ के लोग बो एंड एरो को यूज करते हैं, जंगल में रहते हैं और इनका जो सिविलाइज्ड सोसाइटी है उस सिविलाइज्ड सोसाइटी से इनके जो लिविंग कंडीशंस है, इनके जो कल्चर है, इनके जो स्टोरीज हैं वो बहुत डिफरेंट होती हैं। अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा के माध्यम से इनके बारे में रिसर्च करना चाहेंगे तो वो रिसर्च हमारी ऑथेंटिक नहीं होगी। जब हम नेचुरल सेटिंग में करते हैं तो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डिस्क्राइब करते हैं चीजों को, नैरेट करते हैं, हम इन पार्टिसिपेंट्स से उनके व्यूज लेते हैं। जैसे अगर उनकी लाइफ के बारे में जानना है तो वो क्या करते हैं, एक दिन की एक्टिविटी उनकी क्या है, उस एक्टिविटी को हम जानने की कोशिश करते हैं, उन चीजों को डिराइव करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, और उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से हम कुछ मीनिंग अपनी डिराइव करते हैं।
तो हमारा जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च जो है वो होता है कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को गेन करना और उन एक्सपीरियंसेस के माध्यम से उस फिनोमिना को डिस्क्राइब करना। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च प्रपोजल्स में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जब हम करते हैं तो या तो हम जो गैप इन नॉलेज है, जैसा कल मैंने बोला था कि जब आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं तो आप गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उन गैप्स पे न्यू नॉलेज को डेवलप करने के लिए आप अपनी रिसर्च करते हैं। जो गैप होता है उसके उस पर रिसर्च करके आप उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ योर रिसर्च। बट इन क्वालिटेटिव रिसर्च यू डिस्क्राइब द डेटा, यू डिस्क्राइब द लाइफ, यू नैरेटिव्स का यूज करते हैं, स्टोरीज का यूज करते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को जो पार्टिसिपेंट्स के साथ आपने इंटरेक्ट किया उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को विद इन कोर्ट आप अपनी रिसर्च स्टडी में एज इट इज प्रोड्यूस करते हैं और उनसे आप इंफरेंसेस डिराइव करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप अपने अपना प्रपोजल बनाएंगे, जो प्रपोजल की हेडिंग होगी वो तो होगी क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरह ही, लेकिन जो नरेशन होगा प्रपोजल के अंदर वो नरेशन आपका चेंज हो जाएगा। क्वालिटेटिव रिसर्च में अलग तरह से होगा और क्वांटिटेटिव रिसर्च में अलग तरह से होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये नेचुरल सेटिंग में होती है, कॉन्टेक्स्ट एक है। जैसे मैं इंटरेस्टेड थी, ये ट्राइबल बच्चे हैं, इनके क्या इश्यूज हैं पढ़ने लिखने में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनके क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस तरह के इश्यूज होते हैं, तो मैंने उस ट्राइब में जाकर के उनके बीच रह करके उनकी स्टडी की और उसके माध्यम से मुझे कुछ चीजें आई डिराइव सर्टन कॉन्टेक्स्ट सर्टन कंक्लूजन एंड गेव माय रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू दोस कंक्लूजन्स। उसमें ये नहीं है कि पहले की रिसर्च ने तो ये बताया है कि ट्राइबल चिल्ड्रन के ये प्रॉब्लम्स हैं और या इश्यूज हैं, लेकिन मेरी रिसर्च में वो नहीं आया। ये क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च इज नॉट जनरलाइजेबल टू एंटायर पॉपुलेशन। जिस सैंपल के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं या जिस ट्राइब के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं उसी ट्राइब में हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। हो सकता है बाय इंसिडेंटली वो दूसरे ट्राइब में भी सिमिलर ट्रेट्स हो इसलिए उनको जनरलाइज किया जा सके, लेकिन वो मेरी स्टडी का या कोई भी रिसर्चर या जब करता है क्वालिटेटिव रिसर्च तो उसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं कि ये कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होती है। एक्शंस को जो हम उनकी लाइफ को एक्शंस को उनकी सेटिंग्स में रह करके उनके सर्कमस्टेंसेस को सबको उनके बीच में रह करके जिस ट्राइब की हम स्टडी कर रहे हैं या जिस फिनोमिना की हम क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं उसके बीच में रह करके हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद अपना व्यू देते हैं या अपने उसको इंटरप्रेट करते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इस तरह से है क्योंकि ये नैरेट की जाती है। इसमें हम लिखते समय जब अपनी रिसर्च की स्टडी को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा स्टाइल जो होता है वो नैरेटिव होता है। जैसे सच एंड सच पर्सन व्हाइल इंटरेक्टिंग विद सच एंड सच पर्सन ही रिपोर्टेड और शी रिपोर्टेड, और क्या उसने बोला है हम एज इट इज उसको विद इन कोट्स लिखते हैं। लिखते समय हम उसको लिखते हैं और जितना ही ऑथेंटिक ये उसका प्रोड्यूस करेंगे हम सेम वर्ड्स में उतना ही ऑथेंटिक हमारी रिसर्च होगी। इसके अलावा जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो जो डेटा कलेक्शन प्रोसीजर होता है, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर
हमारा कोई क्वेश्चनेयर नहीं होता है, कोई शेड्यूल नहीं होता है, या हम लंबा चौड़ा रेटिंग स्केल लेकर के नहीं जाते हैं, बल्कि हम जो लोग होते हैं, जिन जो हमारे सैंपल है, उस सैंपल में हम इंटरव्यू करते हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू करते हैं, या स्मॉल फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। जैसे 4-5 मेंबर्स फैमिली के हैं तो हम उसमें फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं, फिर अपने फील्ड नोट्स तैयार करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं, वीडियो फुटेज और पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ये सब वो करते हैं। तो हम प्राइमरी डेटा को भी कलेक्ट करते हैं और सेकेंडरी डेटा हम डॉक्यूमेंट्स से कलेक्ट करते हैं। जैसे किसी ट्राइब की अगर आप स्टडी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप आपके घर के आसपास या आपके इंस्टीट्यूशन के आसपास कोई स्लम एरिया है और उस स्लम के बच्चे आपके स्कूल में नहीं आ रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, और आप एक क्वालिटेटिव स्टडी करना चाहते हैं कि क्या क्यों ये दीज चिल्ड्रन आर ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम द स्कूल, देन यू विल हैव टू विजिट देयर, इंटरैक्ट विद देम, डॉक्यूमेंटेशन उनका करेंगे, और उसके बेसिस पे फिर आप अपने रिजल्ट्स डिराइव करेंगे, इन्फरेंसेस एनालिसिस करके उसको डिराइव करेंगे। हो सकता है कि जैसे आरकेपुरम का जो स्लम एरिया है, वहां के बच्चे स्कूल क्यों नहीं आते हैं, वो डिफरेंट हो सकता है जहांगीरपुरी के स्लम के बच्चों के कंडीशंस से, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और दोनों की कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं। दोनों के ना स्कूल ना आने के या स्कूल से ड्रॉप आउट होने के रीजन अलग अलग हो सकते हैं। तो ये जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें हम जो क्वांटिटेटिव रिसर्च के टूल्स एंड टेक्निक्स हैं उनको फॉलो नहीं करते, बल्कि हमारा जब जो टूल्स एंड टेक्निक्स तो होते हैं, डेटा कलेक्शन के कुछ टूल्स होंगे, जैसे हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो किन पॉइंट्स पे हम इंटरव्यू करेंगे, वो पॉइंट्स हम अपने आप अपना लिख करके रखते हैं, या अपने हमें पता होता है कि कहाँ हमें जाना है, उसके बेसिस पे हम उनसे इंटरव्यू करते हैं। लेकिन वो फ्लेक्सिबल होता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 के बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 ही पूछूंगी। ये हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने फॉर्म किया है अपने इंटरव्यू शेड्यूल में, उससे कुछ और क्वेश्चंस निकल करके आ रहे हैं, एक क्वेश्चन से कुछ और मुझे प्रोबिंग की जरूरत पड़ रही है। ये जो है ना कॉन्टेक्स्ट, इंटरव्यू शेड्यूल आप बना लीजिए लेकिन वो सेमी कंस्ट्रक्टेड होगा, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा। सेमी स्ट्रक्चर्ड मतलब यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू मॉडिफाई और चेंज योर इंटरव्यू पॉइंट्स देन एंड देयर बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स विच यू आर रिसीविंग। जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसी के आधार पे आप आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम जॉट डाउन करके इसलिए रखते हैं कि हम कहीं से शुरू करेंगे और कहीं पे खत्म करेंगे। हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हम जानना चाहते हैं वो छूट ना जाए, इसलिए हम अपने इंटरव्यू शेड्यूल जब बनाते हैं तो उन पॉइंट्स को हम नोट करके रखते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उस इंटरव्यू शेड्यूल के बाहर की भी कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है जो हमारे लिए रेलेवेंट होती है। तो जब आप कोई भी रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए जब आप फील्ड में जाते हैं तो रिसर्चर को बहुत ओपन माइंडेड होकर के जाना पड़ता है। मैं पहले से कोई नोशन नहीं बनाती हूँ, इसीलिए मैं हाइपोथेसिस नहीं फ्रेम करती हूँ। यही बेसिक डिफरेंस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के जो प्रपोजल है उसमें जो बेसिक डिफरेंस ये है कि क्वालिटेटिव मेथड में हम हाइपोथेसाइज नहीं करते हैं, बल्कि हम रिसर्च करने के बाद
हाइपोथेसिस डिराइव करते हैं, वेयर एज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च वी प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस. एंड हाइपोथेसिस हमने कैसे फॉर्म की है? हाइपोथेसिस हमने प्रीवियस रिसर्चर्स के बेसिस पे फॉर्म की है. सपोज मैं एक हाइपोथेसिस फॉर्म कर लेती हूँ जिस टाइप पे मैंने स्टडी की थी कि ट्राइबल चिल्ड्रन को लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनकी जो घर की भाषा है वो स्कूल की भाषा से अलग है या उनका रहन सहन स्कूल से अलग है. लेकिन ट्राइब्स अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ बहुत एडवांस ट्राइब्स हैं जिनकी घर की बोली और स्कूल की बोली भी एक हो सकती है. तो मैं उस हाइपोथेसिस से अगर चलूंगी तो मेरा प्रेजम्पशन ही गलत हो जाएगा. तो एक जो क्वालिटेटिव रिसर्चर होता है वो एकदम ओपन माइंडेड से होकर के जाता है. उसका अपना कोई परसेप्शन नहीं होता है, प्री कंसीव्ड नोशन नहीं होता है फील्ड या उसके सैंपल के बारे में. वो वहां रहता है, वहां रह करके चीजों को देखता है. जब हम कहते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च, वो वही है कि हम उस कल्चर में रह करके उस कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं. या ग्राउंडेड थ्योरी की बात जब हम करते हैं तो हम ग्राउंड में रह करके फिर हम थ्योरी डेवलप करते हैं, न कि हम थ्योरी डेवलप करके फिर ग्राउंड में जाते हैं, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है. मेरे ख्याल से आप लोगों को जो बेसिक डिफरेंस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में है वो समझ में आ गया होगा इससे, कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम पहले प्रिज्यूम करते हैं और उसके बाद हम फील्ड में जाते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च में हम फील्ड में जाकर के चीजों को देखते हैं और उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन्स डिराइव करते हैं. ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जो थ्योरीज होती हैं वो नीचे से आती हैं. पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद हम थ्योरी डिराइव करते हैं. वेयर एज क्वांटिटेटिव रिसर्च में टॉप डाउन मॉडल होता है जिसमें टॉप में थ्योरीज हैं और उसके बाद हम उस थ्योरी को प्रूव करते हैं या रिजेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन क्वांटिटेटिव डेटा. ये मैंने पहले ही आपको सारा बोल दिया कि हम ओपन माइंड से फील्ड में जा रहे हैं, वहां पे चीजों को हम देखते हैं और देख करके जैसे पजल होता है, पजल के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं, पिक्चर्स अलग अलग होती हैं, हर पिक्चर को हम देखते हैं और उस पिक्चर को फिर हम टोटल फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हैं. जब हम अपने रिसर्च की स्टडी का जब हम स्टडी को लिखने बैठते हैं तो हम ये जो पजल हमने देखी वहां पे और उनको हम धीरे धीरे एक दूसरे को तथ्यों को जोड़ने की कोशिश करते हैं और उसको जोड़ करके फिर हम एक टोटल पिक्चर बनाते हैं. जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में इससे उल्टा होता है और हम होल को लेकर के पार्ट्स में जाते हैं, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम पार्ट्स से होल की ओर चलने की कोशिश करते हैं. इसीलिए ये इंडक्टिव रिसर्च होती है, डिडक्टिव नहीं होती है. पहले जैसा कि बोला कि ये मीनिंगफुल रेलेवेंट है क्योंकि ये इसमें पार्टिसिपेंट का पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम पार्टिसिपेंट्स को फोर्स करते हैं क्योंकि मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया है, उसी क्वेश्चनेयर के बेसिस पे उसके जैसे आप लोगों को एमसीक्यू दिया जाता है, आप उस एमसीक्यू के बाहर नहीं जा सकते. आपके जो रिस्पॉन्सेज हैं वो टोटली स्ट्रक्चर्ड होकर के उसी चार अल्टरनेटिव और जो स्टेम्स है उसके उसके अंदर सिमट करके रह जाते हैं. लेकिन हो सकता है कि आप अलग फील कर रहे हो, वो फीलिंग जो है ये पार्टिसिपेंट्स का पर्सपेक्टिव, उस पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस दी जाती है क्वालिटेटिव रिसर्च में और उसका इंटरप्रिटेशन किया जाता है बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंसेस, द कॉन्टेक्स्ट एंड द कल्चर इन विच वी आर कंडक्टिंग आवर स्टडी. सो ये एक डायलॉग होता है बिटवीन द रिसर्चर एंड द पार्टिसिपेंट्स.
इसमें को रिसर्चर जो होता है वो एक लर्नर है, जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर एक एक्सपर्ट है. दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. व्हाइल इन क्वालिटेटिव रिसर्च, मैं अगर किसी ट्राइब में जा रही हूं, ये जो पिक्चर लगी हुई है ये जंगल की है, जिस उस ट्राइब तक पहुंचने का रास्ता, क्योंकि वो ट्राइब जंगल में थी, वो लोग जंगल में रहते हैं, वो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, छत्तीसगढ़ के जंगलों के बीच ये ट्राइब थी जिसकी मैंने स्टडी की थी. तो ये जो है वहां पे अगर हम एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ जाएंगे, हम ना ये सोच सकते हैं कि ट्राइबल लोग इनको कुछ नहीं आता, ना हम ये सोच सकते हैं कि ट्राइबल्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं. नो, मेरा कोई परसेप्शन नहीं है, मेरा कोई प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है. एक रिसर्चर को खुले माइंड से, आपका माइंड एक क्लीन स्लेट है जिसपे इमेजेस बनेंगी, जिसपे लिखा जाएगा, केवल जब आप उस जगह को देख लेंगे, उसके बारे में अपनी स्टडी कर लेंगे, उस फिनोमिना को, और उसके बेसिस पे लॉजिकली आप डिराइव करेंगे अपने कंक्लूजन्स को. वेयर एज इन क्वांटिटेटिव रिसर्च डायरेक्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल टू द रिसर्चर, और उसी डायरेक्शन में वो चलने की कोशिश करता है, उसके उसके बेसिस पे वो कंक्लूजन्स को डिराइव करता है. जो प्रपोजल मैं बताऊंगी उससे पहले जब हम ये आपके लिए जानना जरूरी है कि हम स्पाइडर का प्रयोग करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में. जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो स्पाइडर का स्पेशली नॉट इन एजुकेशनल फील्ड बट इन अदर फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी सोशल साइकोलॉजी द स्पाइडर फ्रेम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब ये स्पाइडर क्या है, ये वो स्पाइडर नहीं है जो हम लोग रोज देखते हैं, ये है एब्रीविएशन ऑफ एस मीन्स सैंपल, पी आई मीन्स फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट, डी मीन्स डेटा कलेक्शन, आप कौन से टूल्स फॉलो कर रहे हैं, ई इज इवेल्युएशन दैट इज एनालिसिस ऑफ डेटा, और आर है रिसर्च की या रिसर्च डिजाइन आपकी किस तरह की है, इथनोग्राफिक है, ग्राउंडेड रिसर्च है, या फिर फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है, किस तरह की रिसर्च डिजाइन आपने बनाई है. तो एस जो है सैंपल क्वालिटेटिव रिसर्च में, कल मैंने बोला था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करते हैं, और प्रोबेबिलिटी में भी रैंडमाइजेशन का प्रोसेस यूज करते हैं. एस सैंपलिंग प्रोसेस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च इज रैंडमाइजेशन, वेयर एज इन क्वालिटेटिव रिसर्च हमारा सैंपल जो होता है वो पर्पसिव होता है. मान लीजिए आप उड़ीसा का कोई, जैसे मैंने अभी बोला कि आप स्लम्स के बच्चों का स्टडी करना चाहते हैं, तो स्लम कहाँ का, आरकेपुरम का स्लम या जहांगीर का पुरी का स्लम या फिर पश्चिम बिहार का स्लम या कहाँ का स्लम या फिर उड़ीसा का स्लम, तो ये किस एरिया का स्लम, ये आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे यहाँ की स्टडी करनी है और उन्हीं लोगों को लेना है. तो आपकी सैंपलिंग पर्पसिव है, कन्वीनियंट सैंपलिंग है या स्नोबॉल है. स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होती है, स्नोबॉल सैंपलिंग होती है, एक लाइन में मैं बता देती हूँ. जैसे आप मेरे पास आए कुछ स्टडी करने के लिए बेस्ड ऑन सर्टन क्राइटेरिया विच यू हैव फिक्स्ड, और उसके बाद मैं किसी को बताती हूँ कि आप उनसे भी कर लिए. जैसे आप किसी एक ट्राइब में गए तो एक बंदे से आपने इंटरेक्शन किया और उसने कहा कि दूसरा पड़ोसी के साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ये स्नोबॉल सैंपलिंग प्रोसीजर मानी जाती है. आइडेंटिफाइड पर्सन्स
उनके माध्यम से आप दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो सैम्पलिंग प्रोसीजर है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर में हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज करते हैं बहुत सारी, और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफरेंट है क्वालिटेटिव रिसर्च से, और एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर लोगों के बीच में हम स्टडी करना चाहते हैं क्वालिटेटिव स्टडी, इसलिए हमारी जो सैम्पलिंग होती है वो पर्पसिव होती है, और डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ पर्पसिव सैम्पलिंग उसको हम यूज करते हैं। फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जैसे मेरी स्टडी में जो फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट था वो लैंग्वेज इश्यूज ऑफ ट्राइबल चिल्ड्रन इन क्लासरूम था। क्या लैंग्वेज इश्यूज है उनके, क्या उनकी प्रॉब्लम है क्लासरूम में, क्यों नहीं ये बच्चे जो आपने पीछे की स्लाइड में देखा होगा क्लास में बैठे हुए बच्चे, ये बच्चे मैथमेटिक्स तो बहुत अच्छे से कर लेते थे लेकिन ये बच्चे अपना नाम भी मुझे हिंदी में नहीं बता पाए, और क्यों नहीं बता पा रहे हैं इसको स्टडी करने के लिए फिर मुझे उनके घरों में जाकर के उनकी लिविंग कंडीशंस को देखना पड़ा, और उसके बाद मैंने डिराइव किया कि बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दीज चिल्ड्रन आर अनेबल टू कम्युनिकेट देमसेल्व्स व्हाइल इन मैथमेटिक्स दे कैन डू मैथमेटिकल सम्स विदाउट इवन यूजिंग लैंग्वेज, क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे अगर कुछ लिख दिया गया या कुछ उनको दे दिया गया पढ़ने के लिए तो वो करने के लिए अगर उनको लिखने के लिए दे दिया गया तो वो लिख देंगे, लेकिन वो क्लास में जबानी नहीं बता पा रहे हैं, वर्बली वो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती है। तो ये दैट वॉज द फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट, एंड फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट अगर आप ड्रॉपआउट को देखते हैं तो आपका फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट है कि क्यों ये बच्चे, क्या रीजन है कि ये बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं, या स्कूल में एडमिशन भी लेते हैं तो भी वो अपना स्कूल को छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये आपका फिनोमिना ऑफ इंटरेस्ट होता है, इट वेरीज फ्रॉम रिसर्च टू रिसर्च, वॉट एवर यू हैव टेकन टॉपिक टू टॉपिक इट विल वेरी। फिर डेटा कलेक्शन टूल्स, जैसा कि मैंने बोला कि इसमें हम कोई बहुत स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि हम नई नॉलेज को क्रिएट करें, हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी नहीं है कि हम बॉडी ऑफ नॉलेज में कुछ ऐड करें। ऐड होता है बॉडी ऑफ नॉलेज में ऐड होता है क्योंकि जो मैंने अपने नरेशन नैरेटिव से या ऑब्जर्वेशन से डिस्कशन से फील्ड नोट से जो कंक्लूजन्स डिराइव किए वो किसी और रिसर्चर को हेल्प कर सकते हैं कि इस कंडीशन में इस रिसर्च स्टडी ने ये फाइंड आउट किया था, उस तरह की इंसिडेंटल होता है ये, लेकिन मेरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं कोई नॉलेज क्रिएट करूं, मेरी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है कि मैं देखूं कि उस एक पर्टिकुलर एरिया में बच्चे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं या क्या उनके इश्यूज हैं, उन इश्यूज को मैं स्टडी कर पाऊं। तो इसलिए हम इसमें इंटरव्यूज को यूज करते हैं। अब इंटरव्यूज में जैसा कि मैंने बोला इंटरव्यूज सेमी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होते हैं क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्सेज यू विल हैव टू चेंज योर इंटरव्यू टेक्निक्स। फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, स्मॉल ग्रुप्स में लोग डिस्कशन कर सकते हैं किसी पॉइंट्स के ऊपर। नैरेटिव्स होता है जो नैरेट करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, अगर पार्टिसिपेंट्स नैरेट कर रहे हैं उनको आप रिकॉर्ड करिए, इसीलिए टेप रिकॉर्डर की इसमें जरूरत पड़ती है कि आप एज इट इज उनको रिकॉर्ड करें, आपके लिए नोट लेना या लिखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम जो भी उनके रिस्पॉन्सेस होते हैं
टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर जब अपने टेबल पे हम बैठते हैं तो उन रिकॉर्ड्स को हम फिर सुन करके उनका इंटरप्रिटेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फोटोग्राफ्स, फिल्म्स, वीडियोस हम बनाते हैं, जैसा कि इसमें मैंने शो किया, बहुत सारे फोटोग्राफ्स हमने लिए हैं जो हम अपनी रिसर्च स्टडी में, जब हम रिसर्च की रिपोर्ट प्रोड्यूस करते हैं तो हम उन फोटोग्राफ्स को अपने काम के ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोड्यूस करते हैं। रिसर्च रिपोर्ट में हम इन चीजों को लगाते हैं जिससे हमारे रिसर्च की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी और ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। इवैल्यूएशन, जैसा कि डेटा एनालिसिस की बात है, ये इवैल्यूएशन की बात कोई उस तरह का इवैल्यूएशन नहीं है जो एग्जाम में इवैल्यूएशन होता है। इट इज एनालिसिस ऑफ डेटा, इट इंक्लूड्स कोडिंग। जो आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, फील्ड से गैदर की, जब आप टेबल पे बैठते हैं तो उन फील्ड नोट्स का अपने आप एनालिसिस करते हैं, उनको सीक्वेंशली अरेंज करते हैं, उनकी कोडिंग करते हैं और इसके बाद ही आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फील्ड में होते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यू वांट टू गैदर, एंड व्हेन यू वर्क फ्रॉम योर टेबल आप उनसे मीनिंग डिराइव करने की कोशिश करते हैं और उसका एक सीक्वेंस होता है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि जब जब आप सीक्वेंस सीक्वेंशियल एनालिसिस कर रहे हैं तब आप जगह जगह पे उन्होंने जो नैरेटिव्स आपको मिले हैं, इसीलिए मैंने बोला कि वहां पे टेप रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं उनके एग्जैक्ट वर्ड्स, और उन एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स को आप अपनी रिसर्च रिपोर्ट में रिप्रोड्यूस करते हैं एज इट इज, और उसके बेसिस पे आप इंटरप्रिटेशन डिराइव करते हैं कि क्या रीजंस है, क्यों ये बच्चे क्लास में लैंग्वेज पढ़ने में इनको डिफिकल्टी हो रही है जबकि वो मैथमेटिक्स में उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं होती, इसके रीजंस क्या है। और यहाँ पे आप दूसरी रिसर्चर्स से अपने सपोर्ट फाइंडिंग्स को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ट्राइब्स पे स्टडी की है, उनकी लैंग्वेज इश्यूज पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, और उन रिसर्चेस की भी जो फाइंडिंग है वो फाइंडिंग्स हो सकता है आपकी फाइंडिंग को सपोर्ट करे, तो वहां आप उन फाइंडिंग्स का सहारा ले सकते हैं अपनी स्टडी को स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी फाइंडिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। आर का जो है आप रिसर्च टाइप नहीं है, टाइप या डिजाइन आप बोल सकते हैं, रिसर्च डिजाइन आपने कौन सी ली है। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी रिसर्च डिजाइन लेते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च में तो इथनोग्राफिक है या ग्राउंडेड थ्योरी है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है उससे आप डिराइव करेंगे कि आप किस तरह की स्टडी करना चाहते हैं। तो ये है आपका स्पाइडर जिसको हम यूज करते हैं, चाहे वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो चाहे वो क्वालिटेटिव रिसर्च हो, we use spider in both the researches and but their form will change, jaise sample mein change ho jayega, phenomena of interest mein change ho jayega, data collection tools change ho jayenge, analysis of data farak hoga aur research design ya research type bhi farak hoga। ab ye jo basic maine bataya aapko कि कैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च से क्वालिटेटिव रिसर्च डिफरेंट है, और जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो किस तरह से हम हमारे जो टाइटल्स होते हैं प्रपोजल के, जो हेडिंग्स होती हैं वो तो सेम रहेंगी एज इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, लेकिन उसके अंदर जो हम लिखेंगे, जो नैरेटिव्स होंगे वो हमारे चेंज हो जाएंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम भी होगा, सबसे पहले आप
क्या करना चाहते हैं वो लिखेंगे, फिर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें आप अपना कॉन्टेक्स्ट और जस्टिफिकेशन देंगे, प्रॉब्लम भी आप वो करेंगे। जैसे यहाँ पे जो मैंने ट्राइबल चिल्ड्रन की स्टडी की थी, तो मेरा प्रॉब्लम था कि दिस ट्राइबल चिल्ड्रन, ये भी जनरल होता है कि ये ट्राइबल चिल्ड्रन क्लास में आते हैं लेकिन ये देखा गया है कि ये क्लास में कम्युनिकेट नहीं करते, पार्टिसिपेट नहीं करते, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उनकी समझ में नहीं आती है और ये उनके ड्रॉप आउट का एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसके लिए ये जरूरी है कि इनकी जो लैंग्वेज इश्यूज हैं उनके बारे में कोई स्टडी की जाए। तो ये आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम किया, जहां पे आपने इंट्रोडक्शन से जो आप फील्ड में जो स्टडीज हुई हैं उनके बेसिस पे कुछ आपने लॉजिक, कुछ रैशनलाइजेशन किया है, उस रैशनलाइजेशन को आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में प्रोड्यूस किया है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी होता है क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे काम हो चुके हैं, उस पर्टिकुलर ट्राइब में नहीं हुआ है तो दूसरे किसी ट्राइब में हुआ होगा, जैसे ड्रॉप आउट पे अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो ड्रॉप आउट के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, जिससे जो नॉलेज है वो नॉलेज आप डिराइव कर सकते हैं। आपके रिसर्च क्वेश्चंस भी होंगे जब आप फील्ड में जा रहे हैं, तो क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और किस तरह से करने जा रहे हैं, ये भी आपको देना होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइपोथेसिस मैंने नहीं लिखी है, ये एक मेजर डिफरेंस है क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च जब हम बनाते हैं तो उसके बीच में जो मेजर डिफरेंस है रिसर्च प्रपोजल में, कि वी मे नॉट राइट हाइपोथेसिस। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बोला कि वी गो विथ ओपन माइंड, हमारा इंडक्टिव रिसर्च है, डिडक्टिव रिसर्च नहीं है, हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, हम इंडक्टिव रिसर्च से नॉलेज को बिल्ड करने की, नॉलेज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम हाइपोथेसाइज करके चलेंगे तो हमारे लिए मुश्किल होगी, हमने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर हम सीख करेंगे। सो इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव हाइपोथेसिस इन प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च, लेकिन स्पेशली एजुकेशन के फील्ड में ज्यादातर रिसर्चेस जो होती हैं वो मिक्स्ड मेथड रिसर्च होती है, वो प्योरली क्वालिटेटिव भी नहीं होती है, प्योरली क्वांटिटेटिव नहीं होती है। सोशियोलॉजी में या सोशल एंथ्रोपोलॉजी में जो रिसर्चेस होती हैं वो प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्चेस होती हैं, एजुकेशन के फील्ड में जो रिसर्चेस होती हैं वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड का मिक्स होती हैं। इसीलिए अगर आपने ऐसा मिक्स्ड मेथड अप्रोच को अपनाया है जहां पे आपके क्वांटिटेटिव डेटा भी है लेकिन इट इज सपोर्टेड बाय सम क्वालिटेटिव डेटा आल्सो, देन यू विल हैव टू ऐड हाइपोथेसिस। लेकिन अगर आपकी प्योरली क्वालिटेटिव रिसर्च है तो उसमें हाइपोथेसिस को लिखना जरूरी नहीं होता है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ब्रॉड होते हैं, बहुत पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। जैसे मेरे स्टडी का ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज जो उनका असेसमेंट जो है उनकी लैंग्वेज डिफिकल्टी को असेस करना और उसके रीजंस को फाइंड आउट करना था, तो उसके बेसिस पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑपरेशनल डेफिनेशन ट्राइब्स अगर आपने लिया है या ड्रॉप आउट अमंग पर्टिकुलर एरिया लिया है तो वो आपके ऑपरेशनल डेफिनेशंस में यूज हो जाएंगे। एक चीज और इसमें छूट गई है जो आप ऐड कर लीजिएगा, डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, क्योंकि डिलिमिटेशन द स्टडी इज डिलिमिटेड टू अ पर्टिकुलर टाइम टाइम
तो ये एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, मिस हो गया है, उसको ऐड कर लीजिएगा। लास्ट में वो डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी भी आ जाएगा। मेथोडोलॉजी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, स्पाइडर का हम यूज करते हैं जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी एज लिमिटेड जनरलाइजेशन एबिलिटी, जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें लिमिटेड जनरलाइजेशन होता है, उसमें ब्रॉड जनरलाइजेशन नहीं होता है। वो एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर ट्राइब, पर्टिकुलर फिनोमिना के स्टडी की जाती है और उसी तक लिमिटेड होती है। उसका जनरलाइजेशन जो दूसरी स्टडीज करते हैं वो इंसिडेंटल होता है, क्योंकि उनमें सिचुएशंस में अगर सिमिलैरिटी है तो उन सिमिलैरिटीज के बेसिस पे आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। रेफरेंसेस, अगर आपने सेकेंडरी डेटा को यूज किया है तो आपके रेफरेंसेस बनेंगे। अगर आपने केवल प्राइमरी डेटा, अगर आपने केवल वो ट्राइब में जाकर के वहां बैठ करके वहां लोगों से स्टडी की है तो उस तरह में रेफरेंसेस आपके कम होंगे। केवल आप जब इंट्रोडक्शन और रिव्यू कर रहे हैं उसके रेफरेंसेस आपके होंगे। तो ये एक पॉइंट जो आएगा ये इम्प्लीकेशन से पहले आ जाएगा वो होगा डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी, क्योंकि इसकी फाइंडिंग्स डिलिमिटेड होती है। नेक्स्ट प्लीज। एक रिसर्च क्वेश्चंस के जो आप रेज करेंगे ये ध्यान रखिएगा, आपके रिसर्च क्वेश्चंस फोकस्ड होने चाहिए, रिसर्चेबल होने चाहिए और फीजिबल होने चाहिए। ये नहीं कि आपने ट्राइबल ट्राइब्स ले ली, ऐसी ट्राइब्स ले ली जहां पे आप पहुंच ही नहीं सकते हैं, या इस तरह का इश्यू ले लिया जहां पे ड्यू टू सोशल स्टिग्मा और ड्यू टू सोशल इश्यूज यू मे नॉट गेट रिस्पॉन्सेस। तो इस तरह की रिसर्चेबल फीजिबल स्पेसिफिक इश्यूज को लेकर के क्वालिटेटिव रिसर्च की जा सकती है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में बेसिकली जो डिफरेंस होता है जनरलाइजेशन का होता है, और जो रिसर्च डिजाइन होती है, टूल्स टेक्निक सब कुछ बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है क्वांटिटेटिव मेथड में, लेकिन क्वालिटेटिव मेथड में ओपननेस होती है, माइंड की ओपननेस, रिसर्चर की ओपननेस। रिसर्चर एक लर्नर होता है क्वालिटेटिव मेथड में, लेकिन क्वांटिटेटिव मेथड में रिसर्चर एक एक्सपर्ट होता है जो किसी फिनोमिना को स्टडी कर रहा है। दैट्स ऑल फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। धन्यवाद मैम। थैंक यू। वयम् अस्मिन् अवसरे सुतराम अनुग्रहीता महोदयानां मार्गदर्शनेन हम महोदय के इस मार्गदर्शन से अत्यंत सभी अनुग्रहित हैं, और तदर्थ मैम को अपने विश्वविद्यालय पक्ष से, अपने शिक्षण अधिगम केंद्र के पक्ष से और अपनी प्रेरणा स्रोत प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम के पक्ष से और सभी प्रतिभागियों के पक्ष से आभार प्रकट करते हैं।